क्रिकेट में यूं तो लाखों लोग कैरियर बनाना चाहते हैं, पर ना तो उनको ट्रायल की अपडेट की आवश्यकता है, ना ही किसी चीज की। अगर आपको इन सब चीजों की जरूरत है तो नए रहें। अभी तक मेरे चैनल का बिल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो बिल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे यूपी के कुछ जिलों की जो ट्रायल की अपडेट निकल के आई है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ अंडर 19 क्रिकेट ट्रायल के बारे में है, जो 27 अप्रैल को होने वाला है। इस 27 अप्रैल को कहाँ होने वाला है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 27 अप्रैल को दिन शनिवार है। ये जो अपडेट आई है ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की ट्रायल की अपडेट आई है। ये जो ट्रायल होगा 1:30 बजे से ज्ञान कलश क्रिकेट ग्राउंड अंबाला रोड पर आयोजित होगा। अगर आप सहारनपुर से हैं और अगर आप क्रिकेट में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये ट्रायल आपके लिए होने वाला है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जैसे आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट। इसमें सेलेक्टेड होने वाले खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनको आगे ट्रायल देने का मौका भी मिलेगा। तो थोड़ा सा आप बने रहे, लगातार अपडेट के साथ आपको जानकारी मिलती रहेगी। और मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं इजीली आप करियर बना लेंगे। इसके साथ ही अब कुछ बात कर लेते हैं बांदा डिस्ट्रिक्ट की, या बात कर लें फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से एफिलेटेड डिस्ट्रिक्टों की। फतेहपुर से एफिलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो भी है उनके भी ट्रायल मैच शुरू होने वाले हैं अंडर 16 से 19 तक के। उनके भी मैचेस के लिए अपडेट आ गई है 27, 28, 29। इन डेटों में उनके ट्रायल मैच फतेहपुर में होंगे। अगर आप फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन से कांटेक्ट कर लें, क्योंकि अनऑफिशियल जानकारी है, मेरे पास ऑफिशियल जानकारी नहीं आई। क्योंकि फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की ऑफिशियल जानकारी नहीं आती है, ओरली मुझको पता चलता है, तो मैंने कोशिश करी है कि आपको जानकारी प्रोवाइड करा दूं। और अगर जैसे भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना। आप बस वीडियो देखते रहे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप कॉमेंट करके पूछते हैं कि कोई भी स्टेट की जानकारी हमको नहीं मिल पाती है, आप बता दीजिए कब है। तो मैं ऐसे ही फेक वीडियो नहीं बनाता ताकि आपको परेशानी ना हो। अच्छी जानकारी के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और वीडियो को लगातार देखते रहना पड़ेगा। वीडियो देखने में आपका कुछ नहीं जाता, बस थोड़ा सा समय जाएगा, 2 से 4 मिनट का वीडियो होता है। इससे ज्यादा वीडियो मैं नहीं बनाता, कभी कोई इंपॉर्टेंट हुआ तो बहुत लंबा वीडियो बन सकता है। तो आप थोड़ा सा वीडियो देखते रहे और आगे की जानकारी अपने आप आपको मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जिनको ऐसी जानकारी नहीं मिलती। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।